हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी साबूदाना खिचड़ी, जो बहुत ही फटाफट सी बन जाती है और बहुत ही यम्मी भी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो कैसे बनाया मैंने इसे, तो आइए आपको बताती हूँ। क्योंकि अच्छा सा मौसम है, तो इस अच्छे से मौसम में एक अच्छी सी डिश तो बनती है। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर साबूदाना, जिसे मैंने धो के अच्छे से इसे 5 घंटे के लिए 1 कप पानी में भिगा दिया था, जिससे मुझे इसका पानी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये लिए हैं मैंने 2 आलू, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं पतले पतले। यहाँ पे मैंने अदरक ग्रेट कर लिए, टमाटर चॉप कर लिया है, आधा नींबू ले लिया है, धनिया और हरी मिर्च चॉप करके रख ली है। तो चलिए फटाफट से रेडी कर लेते हैं अपनी इस अच्छी सी डिश को। उससे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है करी लीव और यहाँ पे मैंने लिए कुछ मूंगफली के दाने। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेनी है हमें कढ़ाई, कढ़ाई को हमें कर लेना है अच्छे से गरम। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं, वैसे देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए देसी घी हमने इसमें ऐड कर दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें डाल देने हैं आलू। आलूओं को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से रोस्ट, मतलब रेड रेड से नहीं हो जाते हैं और थोड़े से गल नहीं जाते हैं, तब तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। चलिए फटाफट से चला लेते हैं। देखिए पूरी तरह से हो गया इसका कलर चेंज। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली। मूंगफली को भी हमें क्या करना है, रोस्ट करना है। साथ ही हम डाल देंगे करी पत्ता। करी पत्ता डाल दिया है और अब हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अदरक जो मैंने घिस के रखी थी और हरी मिर्च स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा। तो चलिए अब सभी को हम अच्छे से भून लेते हैं। मीन्स हमें मेन मूंगफली को भूनना है कि वो अच्छे से भून जाए, क्योंकि हमने कच्ची मूँगफली डाली है तो हमें उसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। तो मूँगफली को चेक कर लेते हैं अच्छे से भुनी है। तो ये हो गई है भुन के तैयार। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी चिली फ्लेक्स। तीखा खाने का वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, इसलिए मैं हर तरह की मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से मिर्ची ऐड करें। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाली है 1 चुटकी हल्दी, इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ चलाते रहेंगे जिससे कि सब भूनते रहें अच्छे से, मूंगफली भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाए, कहीं से भी बचे ना। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपना साबूदाना, जो कि मैंने रखा हुआ था पहले से ही ड्रेन आउट करने के लिए। उसके बाद हमने डाला धनिया, डालेंगे साथ में आधा नींबू और इन सभी को करेंगे मिक्स। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इसे कलर देने के लिए। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। तो चलिए इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देना है और बीच बीच में हम इसे चला के देखते रहेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल कढ़ाई यूज़ करी है तो ये थोड़ा सा स्टिकी हो रही है। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी खिली खिली सी और बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे मसाले डल चुके हैं, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे धीमी आंच पे पकने के लिए, जिससे कि जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएं और आलू भी जो हल्के कच्चे रह गए हैं वो पक जाएं और अच्छे से सब मिक्स हो जाए। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे से जले नहीं। देखिए कलर चेंज हो चुका है, मसाले और आलू भी पक चुके हैं, साबूदाना भी अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसे करिए गर्मा गर्म सर्व धनिया और नींबू के साथ और करिए अपने दिन की अच्छी सी शुरुआत। चाहे तो आप इसे दिन में भी खा सकते हैं, नाश्ते के साथ भी सुबह ले सकते हैं, जब मन करे। बहुत ही हल्की डिश है और बहुत ही यामी भी लगती है और फटाफट से बन भी जाती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप चाहें तो इसे व्रत में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप व्रत में जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो चीज़ें आप स्किप कर दीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।